हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब, आप लोग सोच रहे होंगे पिछले 7-8 दिन में हम कहाँ थे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। भाई साहब, 24 मई को मेरा लास्ट वीडियो आया था, उसके बाद 25 मई को जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, 1-2 घंटे में ही मेरे चैनल पे एक आ गया था स्ट्राइक। एक्चुअली आपको पता है मेरे घर में बहुत सारे लोग बच्चे लोग हैं, मस्ती वगैरह करते हैं, तो उसमें से किसी भी सीन पे जो है मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन का चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आ गया था स्ट्राइक। तो मेरे चैनल पे 7 डेज के लिए अपलोडिंग वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट मतलब सब बंद हो चुका था। तो मैंने भाई अपने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि भाई 7 डेज के लिए हमारे एनबी ब्लॉग चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि 7-8 डेज के लिए मैं निक्की के चैनल पे वीडियोस अपलोड करूंगा। तो पिछले 7-8 दिन में मैंने निक्की के चैनल पे 7 से 8 वीडियो अपलोड किया होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोग को जिनको पता चला था वो लोग देख भी रहे थे, और बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था वो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या हो गया ऐसा कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो भाई यही रीजन था, हमारे चैनल पे आ चुका था स्ट्राइक, जिसके वजह से हमारा अपलोडिंग बंद हो गया था। भाई दिस इज द रीजन, बट अभी व्लॉग्स रेगुलर आएंगे। तो आपने चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो एनबी ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, निक्की ब्लॉग भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो भाई साहब, पिछले 7-8 दिनों में बहुत कुछ हुआ है हमारे घर पे, तो अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो निक्की ब्लॉग चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो 7-8 वीडियोज हमने अपलोड किए, तो आप लोग जाके देख सकते हो, फटाफट देख लेना, मतलब 8-9 मिनट के वीडियोज हैं सारे, तो देख लोगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को पता रहेगा कि क्या कुछ हुआ है। भाई हेलो सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो? पिछले 7 दिन से हम तुम्हारे चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे थे। अच्छी बात। कितने सब्सक्राइबर हो गए तुम्हारे? 88K हो गए भाई, 12,000 सब्सक्राइबर और चाहिए तुमको 1,00,000 सब्सक्राइबर करने में, उसके बाद तुम्हारा भी सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। समझो 10,000 आजकल। फिलहाल भाई साहब हम नहा वहा के हो चुके हैं रेडी। एक्चुअली तौफीक सेठ के चाचू का है शादी, तो उसी में हमको जाना है भाई, तो अभी रेडी हुए हैं, अभी निकलेंगे भाई थोड़ा टाइम में। मामू, इतना राजी शादी कहाँ जा रहे हो? शादी में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। देख लो, यहाँ मैं भी घूमी हूँ, इस पे मैं भी घूमी हूँ, हम लोग भी इस पे घूमे हैं। ए जी सर, कि नहाए वाले मजा आवत। समीर किधर गया? दूर हो गया भाई साहब। फैसल, समीर, जीशान वो लोग वाटर किंगडम गए हुए, मतलब वाटर पार्क मुंबई के, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे, वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे। खाना वाना का कब खिलाएगा भाई? अभी मार हो रहा है, खाना अभी बाद में खिलाया जा रहा है। लड़की वाले हैं लेकिन कहाँ भीड़ का है रे?
कैसे? भाई साहब फटाफट शादी से हम घर पे आ गए। एक्चुअली भाई साहब वहाँ खाने पीने में बहुत ज्यादा क्राउड था, इसलिए हम कुछ खाना पीना दिखाया नहीं। फटाफट खाना पीना खाए और निकल आए भाई वहाँ से। और तौफीक सेठ तो वहीं पे हैं क्योंकि भाई उनके चाचा की तो शादी है, तो वो तो अटेंड करेंगे। फटाफट घर आ गए, बहुत गर्मी हो रहा था भाई। यहाँ पे देखो आज हमारे एसी की सर्विसिंग भी हो रही है भाई। यही ये एयर पास करता है, एकदम खतरनाक हुआ है। सो क्या देखो भाई साहब आज हम एसी सर्विस करा रहे हैं। धूल देख लो भाई हमारे रूम में, सोच लो रूम पैक रहता फिर भी इतना धूल। बाप रे बाप। भाई साहब फटाफट ये देखो एसी भी सर्विस हमने करवा लिया है। एक्चुअली भाई एक साल होने को आया हमारा एसी जो है क्लीन वगैरह नहीं हुआ था, तो मैं सोचा सर्विस करा लेते हैं। और देखो भाई कितना ज्यादा धूल आ गया था, इसलिए मतलब कूलिंग उतना अच्छा कर नहीं रहा और गर्मी भी भाई बहुत तेज हो रही है। बा क्या हाल चाल है? आज मेरे चैनल पे स्ट्राइक हट जाएगा अब्बा, 7 दिन कम्प्लीट। हाँ सही है, कल से आ जाएगा, कल से मेरे चैनल पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछले 7-8 वीडियो कैसा था अब्बा, जो निक्की के ब्लॉग पे? जबरदस्त। हाँ बढ़िया था, 400-500 व्यूज आ रहे हैं हर दिन। 400-500 व्यूज? अरे वो क्या नाम है, 400-500 सब्सक्राइबर ना। हाँ निक्की के चैनल पे, कल से मेरे चैनल पे वीडियोस आना स्टार्ट अब्बा। ये बताइए सब लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं? सब लिख रहे हैं कि फर्रो को प्लीज बॉम्बे मत जाने देना। हाँ और उसको जीशान के स्कूल में उसके साथ में जो है एडमिशन करवा दो। हाँ लेकिन ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो बॉम्बे में उसके सब लोग रहते हैं, उसकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है, तो छोड़ेंगे नहीं वो लोग इसको। बहरहाल लोग आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। पर रो इधर रहेगा कि मुंबई? इधर ही रहेगा, रह लेगा अब्बा। ये नहीं बोल तो रहा, रह लेगा। एसी रिपेयर हो गया लेकिन बिजली नहीं है, ना? तब चेक होगा कि अच्छे से कूलिंग कर रही कि नहीं। और धूल देखे कितना ज्यादा धूल था, इसीलिए मैं क्लब कर रही हूं कि एक साल बाद करवाऊं। एक साल बाद नहीं, एक साल पहले ही करवाऊं। महीने पे होनी चाहिए सर्विस, नहीं एटलीस्ट वो जो जाली है ना वो। अरे मैं जो कभी किया ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था। तो कैसे खोलते और खराब कर लेते? क्यों नहीं, इतना इजीली खुलता है। नहीं मैं कभी नहीं खोला था, अब करना, अब हर महीने तुम सर्विस करना। तुमको एक बार ऐसा बोल देना चाहिए तो मुझे बता दो कैसे खुलेगा वो। मैं सिर्फ जाली का सीट के निकाल लेते हैं फिर वापस ऐसे ऐसे करके लगा देंगे। आप तो एक्टिंग के बादशाह हो जी, क्या बात है। क्या बात है जी, आप तो एक्टिंग के बादशाह हो जी। पंचेचर का तबला वाला शॉट सभी कमेंट में लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डेली उसमें डालो इसका तबला। बहुत अच्छा तबला है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है, खुजली। मुंबई नहीं जाएगा? नहीं अब मना कर दिया। डीजे बारो
फिलहाल भाई साहब ये देखो हम जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। ये देखो ये ग्लास में है पैसा, ये ग्लास में है पैसा और इसमें है थूक। ये देखो एक्चुअली हम बच्चे लोग को बुलाएंगे ना और बोलेंगे कि जैसे ग्लास उठाऊंगा ग्लास में जो भी रहेगा फटाक करके पकड़ लेगा। तो अभी चलते हैं बच्चे लोग को बुला के लेके आते हैं, है ना। अभी देखो हम बच्चों के साथ जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। ये तीनों में रखा हुआ है पैसा और जैसे उठाऊंगा देखूंगा कौन सबसे पहले वो पैसा ले लेगा। हाँ, जो पहले ले लिया उसका हो जाएगा पैसा। और भाई साहब ये देखो बिजली आ चुका है और हमारा एसी भाई साहब मस्त वाला हवा देने लगा है। अभी देखो ए मतलब जो फैन जो हवा देता था भाई ना एकदम देना बंद कर दिया था हवा। अभी जब क्लीन हो गया ना एकदम मस्त वाला हवा दे रहा है, एक नंबर। निक्की मामी रो रहे क्यों है? तू बता क्यों रो रहे? पापा के लिए। सही बात है भाई साहब। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कल मेरे ख्याल से हम लोग करने वाले हैं जोलो चिप चैलेंज, तो कल का ब्लॉग मत मिस करना। रो कल होगा जोलो चिप चैलेंज।